हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और हम आज एक और पम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन है, ए सेंट्रीफ्यूगल पम्प इज टू डिस्चार्ज क्वांटिटी इज गिवेन हियर 0.118 मीटर क्यूब पर सेकेंड एट ए स्पीड ऑफ 1450 आरपीएम अगेंस्ट ए हेड ऑफ 25 मीटर। सो स्पीड ऑफ आरपीएम हैज गिवन हियर 1450 आरपीएम अगेंस्ट ए हेड ऑफ 25 मीटर। इट मीन्स पंप जो है कितने मीटर पर वर्क करेगा। सो इट मीन्स मैनोमेट्रिक हेड हैज गिवन। सो मैनोमेट्रिक हेड इज 25 मीटर। द इम्पेलर डायामीटर इज 250 mm, इट्स विथ एट आउटलेट इज 50 mm एंड मैनोमेट्रिक इफिशियंसी गिवन हियर 75%। डिटरमाइन द वेन एंगल एट द आउटर पेरिफेरी ऑफ द इम्पेलर। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमें डिस्चार्ज की वैल्यू दे रखा है, स्पीड दे रखा है, हेड दिया है, अगेंस्ट ए हेड ऑफ मीन्स मैनोमेट्रिक हेड एज गिवेन 25 मीटर, और इम्पेलर का आउटर डाया दे रखा है यहां पर 250 mm, और विड्थ इज 50 mm, मैनोमेट्रिक हेड इज 75, मैनोमेट्रिक इफिशियंसी 75% इज गिवेन। सो गिवेन डेटा इज डिस्चार्ज ऑलरेडी गिवेन डिस्कस्ड एंड स्पीड इज दिस मच, मैनोमेट्रिक हेड एज HM इज इक्वल टू 25 मीटर, इम्पेलर डाया एट आउटलेट इज इक्वल टू 250 mm, एंड विड्थ इज इक्वल टू 0.05, मैनोमेट्रिक इफिशियंसी इज इक्वल टू 75%। सो डिटरमाइन क्या करना है, डिटरमाइन द वेन एंगल एट द आउटर पेरिफेरी ऑफ द इम्पेलर। मीन्स हमें फाई की वैल्यू पता करना है, बिकॉज दिस इज द वेन एंगल एट आउटलेट। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस वेलोसिटी ट्रायंगल में देखें, वेलोसिटी ट्रायंगल में अगर हम देखें, दिस इज द वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ द इम्पेलर। सो दिस इज द इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल एंड दिस इज द आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। इन दिस U1 एंड U2 इज ब्लेड स्पीड वेलोसिटी एट इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द इम्पेलर। मीन्स दिस इज द U1, दिस इज द U2। सो इट इज द इनलेट एंड आउटलेट वेन वेलोसिटी आर वेन स्पीड। V1 एंड V2 इज इक्वल टू, V1 एंड V2 इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट द इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द इम्पेलर। सिमिलरली VW1 एंड VW2 इज द वेलोसिटी ऑफ वॉल एट इनलेट एंड आउटलेट। वेलोसिटी ऑफ वॉल इज ऑल्सो नोन एज टेंजेंशियल वेलोसिटी। एंड हियर VF1, सिंस आई एम कंसिडरिंग दिस वन इज रेडियल एट इनलेट, सो V1 इज इक्वल टू VF1। सो V1 इज इक्वल टू, V1 एंड VF2 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट एंड आउटलेट। एंड देन एंगल, दिस इज द एब्सोल्यूट एंगल अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा इज द एब्सोल्यूट एंगल एट इनलेट एंड बीटा इज द एब्सोल्यूट एंगल एट आउटलेट। एंड थीटा एंड फाइ इज द, दिस थीटा एंड फाइ इज द वेन एंगल एट इनलेट एंड आउटलेट। ओके फ्रेंड्स, सो हमें फाइंड करना है कि दिस एंगल determine the vane angle at outlet. Vane angle at outlet means this is the vane angle at outlet. Okay friends, तो हमें इस angle को find करना है और इसको इसकी value find करना है कि कितना होगा। So हम देखते हैं कि अगर हम outlet velocity triangle को देखें तो in this we will consider this one only. So outlet velocity triangle में 10 phi की अगर हम value निकालेंगे तो 10 phi equal to क्या होगा, VF2 upon, this is the 10 phi, so this is the VF2 upon this one U2 minus, this one is the U2 minus VW2. Okay friends, so 10 phi equal to VF2 upon U2 minus VW2. अगर हमें VF2 की वैल्यू पता होगी, V2 की वैल्यू पता होगी एंड VW2 की वैल्यू पता होगी, तो हम यहां से 10 phi मीन्स phi की वैल्यू को हम
फाइंड कर सकते हैं. सो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वी एफ टू अपॉन यू टू माइनस वी डब्ल्यू टू. ओके फ्रेंड्स, सो हम आगे बढ़ते हैं. नाउ हमें यू टू की वैल्यू फाइंड करना है, वी एफ टू की वैल्यू फाइंड करना है. हमें क्या करना है, वी एफ टू की वैल्यू फाइंड करना है, यू टू की वैल्यू फाइंड करना है, वी डब्ल्यू टू की वैल्यू हम फाइंड करना है. सो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें डाया के वैल्यू दिया हुआ है, इम्पेलर डाया के वैल्यू दिया हुआ है. तो इम्पेलर डाया के वैल्यू से एंड आरपीएम ऑल्सो गिवेन, आरपीएम ऑल्सो गिवेन, डाया ऑल्सो गिवेन. सो यहां से हमें वेन स्पीड या वेन वेलोसिटी एट आउटलेट हमें मिल जाएगा यू टू इक्वल टू पाई डी टू एन बाई 60 से. सो यहां पर ये मीटर पर सेकेंड होगा. सो यू टू इक्वल टू पाई एंड वैल्यू ऑफ डी टू इक्वल टू 0.25 मीटर. सो वैल्यू पुट करेंगे यहां पर तो क्या हो जाएगा, पाई 0.25 इंटू 1450 आरपीएम डिवाइड बाई 60 इक्वल टू, जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको तो 18.98 मीटर पर सेकेंड आएगा. नाउ अगर हम जानते हैं डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, डिस्चार्ज क्यू इक्वल टू पाई बी टू डी टू वी एफ टू. सो डिस्चार्ज वैल्यू इज ऑल्सो गिवेन हियर, डिस्चार्ज वैल्यू क्यू इक्वल टू 0.118 मीटर क्यूब पर सेकेंड. सो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, यहां पर डाया के वैल्यू तो दिया ही हुआ है और विड्थ एट आउटलेट ऑल्सो गिवेन. सो बी टू 0.05 मीटर ऑलरेडी गिवेन, डी टू इज गिवेन. सो हमें यहां से क्या निकल जाएगा, वी एफ टू की वैल्यू निकल जाएगी. बी टू वैल्यू गिवेन, बी टू इक्वल टू 0.05, डी टू इक्वल टू 0.25 एंड डिस्चार्ज क्यू की वैल्यू 0.118. सो वी एफ टू की वैल्यू निकल जाएगा 0.118 डिवाइड बाई, जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 0.03926 और हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वी एफ टू की वैल्यू आ जाएगी 3.0048 मीटर पर सेकेंड. नाउ फ्रेंड्स, हमें यू टू की वैल्यू मिल गई, वी एफ टू की वैल्यू मिल गई और यू टू की वैल्यू मिल गई, वी एफ टू की वैल्यू मिल गई. सो हमें ये वैल्यू फाइंड करना है वी डब्ल्यू टू की वैल्यू कितना होगा. सो फ्रेंड्स, वी डब्ल्यू टू की वैल्यू निकालने के लिए ऑलरेडी गिवेन मैनोमेट्रिक इफिशियंसी. सो मैनोमेट्रिक इफिशियंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इंटू एच एम अपॉन वी डब्ल्यू टू यू टू, मीन्स मैनोमेट्रिक हेड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वी डब्ल्यू टू वॉल वेलोसिटी एट आउटलेट एंड वेलोसिटी ऑफ वेन एट आउटलेट. सो हमें यहां पर मैनोमेट्रिक इफिशियंसी दे रखा है 0.75. सो 0.75 इक्वल टू जी इंटू 25 ऑलरेडी गिवेन हियर, 25 मैनोमेट्रिक हेड इज 25 मीटर ऑलरेडी गिवेन. सो 0.75 इक्वल टू जी इंटू 25 अपॉन वी डब्ल्यू टू इंटू 18.98. हियर यू2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 18.98 मीटर पर सेकेंड. तो यहां से फ्रेंड्स हमें वी डब्ल्यू टू की वैल्यू मिलेगी जो आएगा 17.22 मीटर पर सेकेंड. सो यहां से हमें वी डब्ल्यू टू की वैल्यू मिल गई. नाउ हमें 10.5 की वैल्यू निकालना है, मीन्स आउटलेट की वैल्यू निकालना है. सो वेलोसिटी ट्रायंगल एट आउटलेट इज इक्वल टू, अगर हम इसमें देखें ऑलरेडी इसमें देखें स्ट्रेंगल में देखें तो 10.5 इक्वल टू बी एफ टू अपॉन यू टू माइनस वी डब्ल्यू टू. सो बी एफ टू अपॉन यू टू माइनस वी डब्ल्यू टू. सो हियर बी एफ टू की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है 3.0048 मीटर पर सेकेंड एंड यू टू की वैल्यू है 18.98 मीटर पर सेकेंड एंड वी डब्ल्यू टू की वैल्यू है 17.22 मीटर पर सेकेंड. सो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 10.5 की वैल्यू आ जाएगी 1.715 एंड 5 की वैल्यू हो जाएगी 10 इनवर्स 1.715 इक्वल टू 59.75 डिग्री. ओके फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू फ्रेंड्स।